हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं उसका टाइटल है सोनम कपूर, अ बैड प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, ठगिश। तो कुछ मुझे पता है क्योंकि हमने एक वीडियो किया था जिसमें सोनम कपूर ने कुछ ऐसा कमेंट मारा था जो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ पीछे, ढूंढो कौन सा है, और अगर नहीं मिल रहा तो एक एक वीडियो आप देखो। मजाक कर रही हूँ, वो तो आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। नहीं नहीं, एक एक वीडियो देखो और ढूंढो उसमें कहाँ हमने सोनम कपूर, मगर हम किसी का बुरा नहीं कहते, हम तो सिर्फ विचार व्यक्त करते हैं जो वीडियो में आ रहे हैं। जो वीडियो में आ रहे हैं उस वीडियो को देखते हैं, बोलते हैं अच्छा जी अच्छी बात है कि आपने हमें इन्फॉर्म किया, मगर आप डेफिनेटली हमारा एक एक वीडियो ढूंढने की कोशिश करिए। चलो, ये आज का आपका टास्क है, और जिसने ढूंढ लिया उसको मिलेगा क्लैपिंग, केक, हार्ट्स, और जो भी चीजें इमोजी में है ना छिछी, वो सब डाल दूंगी आपने अगर आंसर ठीक दे दिया। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं इस वीडियो पर। तब तक आप पीछे का रिवाइंड करके सारे एक एक वीडियो देखो, फिर वापस आ जाना इस वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सबसे पहले आप वो नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, बाकियों को जिनको नहीं पता, जो हमारे वीडियोस मिस कर देते हैं उनको तो हमने भेज दिया है, वो पीछे रिवाइंड करके एक एक वीडियो देखेंगे, और आप लोग जिनको पहले से आंसर पता है आप अब हमारे वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं मिलके ये वीडियो। क्या चल रहा है गाइस, महेश केशवाला AKA थगेश। तो सोनम कपूर, तो भाई सोनम कपूर मैडम में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है जितना अनिल कपूर के शरीर में बाल। तो मैं बेसिकली सोनम कपूर पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन कल मैंने देखा सोनम कपूर कर रही थी ट्विटर पे ट्रेंड, एंड आई वाज नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज जिस हिसाब से सोनम कपूर की ट्वीट्स की हिस्ट्री रही है, मेरे को मालूम था कुछ ना कुछ कांड किया होगा। तो सोनम कपूर ट्वीटेड, टुडे ऑन फादर्स डे आई लाइक टू से वन मोर थिंग, यस आई एम माय फादर्स डॉटर एंड यस आई एम हियर बिकॉज ऑफ हिम एंड यस आई एम प्रिविलेज्ड, थैंक गॉड, दैट्स नॉट एन इंसल्ट, माय फादर हैज वर्कड वेरी हार्ड टू गिव मी ऑल ऑफ दिस। यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन उसके आगे, एंड इट इज माय कर्मा वेयर आई एम बॉर्न एंड टू हूम आई एम बॉर्न, आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। तो सिंगल हैंडेडली सोनम कपूर ने पूरे इंडिया को बता दिया कि अगर आप एक कपूर खानदान में पैदा नहीं हुए हो तो आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, तो ये भी आपका ही कर्मा होगा कि मेजोरिटी ऑफ योर फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेल। इट्स फनी बिकॉज इट इनडायरेक्टली मीन्स कि जो भी गरीब आदमी है, जो भी गरीब के घर पैदा होता है, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए। So this is not the first time Sonam ne Twitter pe jaake ulti ki hai. She keeps dropping this kind of bombs to stay relevant. Being brand Sonam. Brand Sonam Kapoor. Ye kab hua? But Sonam, nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? I don't think that's true. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me. Like, you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everybody wants something that, you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? Kya boli? Samajh nahi aaya. You need to be relevant in terms of. फिर आपकी movies कौन देखेगा? क्यों हम टिकट ले? ऐसे भी कोई लेता नहीं आपके movie की tickets, but. You need to be relevant in terms of. You need to be happening. You need to be fun. I mean, there's not many people who want to go to the cinema anymore. That's not true, Sonam. Trust me, that's not true. That may be true in your case, though. और भाई सोनम कपूर के स्टेटमेंट्स, इंडियन मैन डोंट अंडरस्टैंड फैशन अनलेस दे आर गे, मतलब ये सब लोग तो नल्ला पाव है ना। अब ना एक ब्रेन टू माउथ फिल्टर होता है जो हर इंसान में होता है, विच सोनम कपूर क्लियरली लैक्स, बिकॉज फ्रॉम सेइंग ऐश्वर्या राय एन आंटी फ्रॉम अनदर जनरेशन टू सेइंग इंडिया में अगर आप गुड लुकिंग नहीं हो तो लोग समझते हैं कि आप एक अच्छे एक्टर हो। इतना ही नहीं, सोनम कपूर ने बोला सो कॉल्ड आर्ट फिल्म्स में क्यों डायरेक्टर्स नॉन गुड लुकिंग एक्टर्स को लेते, प्रोसेस होने को टाइम लग रहा है पूरा मेरे को। तो क्लियरली सोनम कपूर इज सेइंग दैट रंग रसिया में रणदीप हुडा इज नॉट अ गुड लुकिंग एक्टर, जॉन इब्राहिम इज नॉट अ गुड लुकिंग एक्टर, मतलब विकी कौशल इज नॉट गुड लुकिंग, और भी बहुत सारी आर्ट फिल्म्स, बेसिकली सोनम कपूर को उनके अलावा सारे लोग नॉट गुड लुकिंग ही लगते। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये किसने बोला? गांधी जी, महात्मा गांधी। पता है सोनम कपूर ने क्या बोला? रॉबर्ट डिनेरो।
guys, please comb your hair. You know, this gel look is not happening anymore. That was very 90s. Oh. Nothing. उसका मजाक उड़ा रही है। 65,000. I salary में पहले 65,000. So I guess only 60. Only 65,000 is low. 5,000 offer. I get much more, darling. Don't you see my outfit? I get much more, darling. Don't you see my outfit? I think women are multitaskers and are capable of earning, running. Women run the bloody country. I mean, the women. I don't know if they're running it very well right now, but yeah, they. What? मेरे को कभी कभी क्या लगता है पता है, सोनम कपूर ना इंग्लिश बोलने के चक्कर में ना बहुत बार गलत गलत भी बोल देती है, बट सिंस शी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश ये सब नोटिस नहीं होता, एंड दैट टू स्कॉटिश एक्सेंट में। इधर इवन आयुष्मान इज लाइक, या इट्स बैटल फॉर पिटोरा, सॉरी इंटरनेट पे है, आपको दिखाई देगी, बट अभी क्या बकवास कर रही है यार। दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग। Now, सोनम कपूर इज सो डम्ब के फिल्म इंडस्ट्री में रह के सोनम कपूर को ये नहीं पता कि मूवी टिकट्स की एडवांस बुकिंग कर सकते। Go get your tickets one week before the film opens, right? Yeah, I understand. शायद अपना खुद का बता दिए, बिकॉज उनकी मूवीज की तो आई डोंट थिंक एडवांस बुकिंग होती होगी। You have three cons on the film. One is three cons are the ones which are featuring. But which do you, among these three, which one is your biggest con? Which one do you like personally? I think I love the whole film in general. The whole film is a con. The whole film is a con. She means something else. This is so humiliating. इतना ही नहीं, सोनम मैडम इवन थिंक्स कि मेन ब्रिंग नेगेटिविटी, इसलिए शी सराउंड्स हरसेल्फ विद वुमेन। ऑफ कोर्स मेन ब्रिंग नेगेटिविटी अनलेस एंड अंटिल यू फाइंड अ मैन वर्थ 4000 क्रोर्स। फेयर इनफ, बट सोनम कपूर को ये लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत हॉट नहीं है। यस, कॉफी विद करण के एक एपिसोड में सोनम ने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट हॉट, बट ऑन द अदर हैंड आनंद भाई बेसिकली सोनम कपूर शुड बी टर्म्ड एज स्टैचू ऑफ स्टुपिडिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनम कपूर इज ऑल्सो ट्विटर वॉरियर। ट्विटर में जो धड़ाधड़ स्पीड में ट्वीट करती है ना, ऐसी स्पीड में तो अर्जुन कपूर फ्लॉप भी नहीं देता। एंड रिसेंटली स्टार किड्स आर ऑनेस्टली हैविंग अ टफ टाइम, लोग उनको जाके गालियां दे रहे, जिसकी वजह से सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर भी क्विट कर दिया। आई एम वेटिंग एक्टिंग कब क्विट करेगी। WTF is wrong with you? Man, if you want to learn something about Hinduism, better follow Hindul Sen Das Gupta or Devdutt Myth. Besides the fact, this looks like a shout out. इसको जो let's just see Devdutt Myth Hinduism के बारे में क्या सिखाते। तेरी माँ ने से तुझे जन्म दिया है साले, योनि की पूजा कर। Now we all know where does all this gyan of Sonam Kapoor comes from. और अगर Sonam Kapoor को अब Twitter पे criticize करोगे, तो मैडम क्या करती है पता है? So Sonam Kapoor ने एक story डाली थी criticizing Mumbai की traffic. तो एक बंदे ने उसपे बोला, it's because of people like you who don't use public transport or less fuel consumption vehicles, which is also a fact and also applies to Baki citizens. Now so dumb Kapoor ka befitting reply na aaye to kaise chalega? And it's because of men like you that women find it difficult to go in public transport from the fear of being harassed. Harassed? You serious? But aapne jo ye baat likhi hai to iske upar main jawab dena chahunga aapka ki I feel personally Sonam, thodi si advice main dena chahunga aapko. God bless you, wish you all the very best with your career. बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। अब एक कपूर गर्ल दूसरे कपूर गर्ल की मदद ना करे तो इंडस्ट्री की गर्ल गैंग कैसे बनोगे? तो तुम लोग को तो पता ही है कोरोना के स्टार्ट में कनिका कपूर ने क्या कांड किया, तो उसी कांड के सपोर्ट में आई सोनम कपूर। Hey guys, Kanika Kapoor came back on the 9th. India was not self-isolating but playing Holi. I don't know why, but this looks like a Kanika Kapoor ki team ne Sonam Kapoor ko bola, dal do na ek tweet. Please. Sonam ma'am, isolation in the case of Kanika Kapoor was common sense. And I'm with you on this. I don't think you know anything about common sense. Mujhe lagta hai ki kabhi kabhi kuch log
कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीजें लिख देते हैं। इसके अलावा सोनम मैडम कुकिंग भी करती है, कुकिंग ओनली सो दैट शी कैन टेक पिक्चर्स एंड सोशल मीडिया पे डाल सके। ए बबलू, बिना गैस चालू करे कौन सी कुकिंग होती है? ए बावड़ा कोर दिए। तो ओवरऑल सोनम कपूर इज अ बैड प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, बट ऑनेस्टली आई लाइक द मूवी नीरजा बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले ऑफ कोर्स। एंड उसके अलावा जो सोनम कपूर की मेजॉरिटी फिल्म्स रही है, दे हैव बीन फ्लॉप। And I don't think you can call yourself successful with these amount of flops. Can you? Someone who's successful to a certain degree, I've made the choice to actually date people who are not on paper as successful or as well off as I am. But as a person, मेरे को वो बुरी नहीं लगती। I think दिल की बहुत अच्छी है, but she is really dumb and she is very self-centered because अपने नाम की ड्रेस कौन पहनता है? So that's it for Sonam Kapoor. So friends, बड़ा ही अच्छा बनाया था, जिस वे से खींचा है ना, बड़ा अच्छा वे से बताया है। और यही लग रहा है क्योंकि हमने बाकी भी कई ऐसे यूट्यूबर्स के वीडियोस पे रिएक्शन किया था और वो सब इस बात से बहुत गुस्से में है। तो एक और भी था जिसमें उन्होंने बोला था भाई सोनम कपूर जो है ये सब बोल रही है, और कई पॉइंट सिमिलर थे। एक पॉइंट तो कि उसके जो कॉमेंट बोला, दूसरा ये कर्मा वाला, दूसरा जो सिमिलैरिटी थी वो था कि सुशांत सिंह को जो कॉफी विद करण में बोल दिया कि भाई आई डोंट फाइंड दिस गाय हॉट, तो उस पर भी इन्होंने बोला कि भाई तुम उसको हॉट नहीं है पर तुमने जो अपना लाइफ पार्टनर चूज किया वो तुम्हारे लिए हॉट है। फिर वो दिखा रहे हैं कि अच्छा क्योंकि बहुत अमीर है या कुछ उस टाइप से वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर तीसरा पॉइंट ये भी था कि जो है काफी इस टाइप की ट्विटर में बातें करती हैं और जो इनके पीछे पड़ेंगे उनको शायद ब्लॉक भी कर देती हैं, उस टाइप का भी हमने सुना था। तो ऐसे लग रहा है कि इनके जो कमेंट्स है उससे काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं उनको पसंद नहीं आ रहा। ऑब्वियसली आप अगर मतलब पब्लिक में हो, एज अ पब्लिक फिगर हो, तो आपने क्या बोल रहे हो, क्या आप ट्विटर में लिख रहे हो, बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए क्योंकि पूरी जो है सोसाइटी जो है पब्लिक जो है वो आपको पढ़ रही है। तो बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। अब इसमें जो क्लिपिंग्स उन्होंने दी वीडियो में, उसमें तो कई में जब वो बोल रही है मैं तो समझ ही नहीं आ रही थी किस कॉन्टेक्स्ट में कैसे बोल रही हैं। वो भी बोल रहे थे ना कि भैया इंग्लिश बोल दी भैया, चाहे लॉजिक नहीं और हमें भी नहीं पता चल रहा क्योंकि इंग्लिश बोल रही है, तो हमें लग रहा है वाह वाह बहुत अच्छी बोली है। पर कहीं पे तो ऐसे भी लग रहा था अपने आप को, सोचती मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ या पता नहीं क्या। पर अच्छा लगा देख के कि मतलब जब कोई चीज ऐसी बोल रहे हैं ये हीरो हीरोइंस बॉलीवुड के, तो लोग पकड़ के उनको उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये पता चल जाएगा, मैसेज अक्रॉस होगा कि मतलब अब थोड़ा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बोल रहे हो क्या लिख रहे हो। राइट, सो आई मीन इस वीडियो में ऑफकोर्स इन्होंने काफी क्रिटिसिज्म की है और अपने विचार जाहिर किए हैं जो उनको लगता है। और डेफिनेटली सोनम कपूर जी ने जो कुछ चीज़ें ट्विटर में ऐसे बोल दी हैं जिसको लोगों ने डिफरेंट तरीके से ले लिया है, और कुछ हैं भी मतलब अब देखिए जो इंसान उस खानदान में पैदा होता है जो बहुत अमीर है, तो नॉर्मली ऐसे लोगों ने गरीबी नहीं देखी होती, उन्होंने डिफ़िकल्टी नहीं देखी होती। ठीक है, अगर आप बहुत अमीर किसी राजा के खानदान में पैदा हुए हैं, काफ़ी अमीर इंसान के पास के घर में पैदा हुए हैं, तो आपने गरीबी नहीं देखी, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये समझना गरीबी क्या है, महसूस करना कि गरीबी क्या है, एक्सपीरियंस करना गरीबी क्या है। आप सिर्फ अपने किसी और लोगों को देख के अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे गरीब, तो ये मतलब उन लोगों को थोड़ा बहुत सारे लोग हैं जो अमीरी में पैदा होते हैं और उनको ये पता नहीं चलता कि गरीबी क्या चीज़ है। तो पहली बात तो ये है, कंटेक्स्ट नहीं है। जो इंसान गरीबी में पैदा हुआ है या मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, जिसने मेहनत करके ऊपर उठा है, उसी को पता है लाइफ में गरीबी क्या है, उसने देखी है गरीबी, उसे पता है कितनी डिफ़िकल्ट बात है जब आपको रोटी कपड़ा और मकान के लाले पड़े होते हैं और आपको टेंशन रहती है इन चीज़ों की। अब यहाँ पर जो है इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि इनके ओपिनियंस हैं और काफ़ी सारे लोग उससे शायद एग्री भी करते होंगे, और मगर ये सुशांत सिंह राजपूत की जो भी घटना घटी है, जो भी उन लोग कह रहे हैं कि
शायद उन्होंने सुसाइड किया, कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड नहीं किया। मेरे ख्याल से ये बात जो है ये सब चीज़ों को जगा रही है कि नेपोटिज्म है, फैमिली कल्चर है, कुछ लोगों ने कंट्रोल कर लिया है इंडस्ट्री को और उनका, और इतनी फ्लॉप हो रही हैं उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के बाद वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मूवी या फिल्म भी मिल रही है, और जो मेहनत करके आ रहे हैं उनकी एक फ्लॉप हो जाती है तो उनका करियर खत्म हो जाता है, कुछ को पता भी नहीं होता कहाँ है वो, और यहाँ पे इतनी फ्लॉप हो रही है फिर भी इतना पैसा है, इतनी एबिलिटी है कि वो उसे बाउंस बैक कर सकते हैं, तो उनको खुश, मतलब खुशकिस्मत है कि उनके पास इतनी एबिलिटी है, परंतु उनको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से कह सकते हैं ट्विटर में, कि आजकल सोशल मीडिया में हर इंसान के पास एबिलिटी है, सोशल मीडिया में जाएँ और पढ़ें, तो डेफिनेटली लोगों को बुरा लगता है अगर आपने कुछ ऐसी बात कह दी कि अगर आप गरीब हैं तो आपने अच्छे कर्मा नहीं किए हो सकते, मगर भगवत गीता ये नहीं कहती, भगवत गीता यही कहती है कि आपके, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, अपॉर्चुनिटी कि आप भगवान के पास कैसे क्लोज आ सकें, आपका जो लेवल था उसके हिसाब से आपको उस सिचुएशन में डाला गया देखने के लिए कि आप अब क्या करते हैं, तो नॉर्मली जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो शायद आप भगवान के क्लोजर हैं क्योंकि भगवान देख रहे हैं, अच्छा तुम अगर इस डिफिकल्ट कंडीशन को भी सॉल्व कर लेते हो तो तुम बहुत ही बढ़िया हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि देखो मैंने तुम्हें कैसी परिस्थिति में पैदा किया था और तुमने कितना अच्छा काम किया, तुम डटे रहे, तुम मेहनत करते रहे, ठीक है तुम अमीर नहीं हो मगर अमीर भगवान से क्या लेना देना, भगवान तो ये देख रहे हो तुमने अच्छे कर्मा क्या किए, उस परिस्थिति में अगर जो इंसान अच्छे कर्मा कर देता है वो सीधा अमर हो जाएगा, भगवान बोलेगा इससे बंदा अच्छा कोई है ही नहीं, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में पैदा किया और तुमने अच्छा काम किया, और उसको ऑपोजिट देखिए, भगवान कहेगा तुम्हें इतनी अच्छी अमीर फैमिली में पैदा किया उसके बावजूद भी अगर तुम बुरे काम करते हो या नीचे जाते हो तो बड़ी दुख की बात होगी, भगवान कहेगा बड़ी दुख हुआ मुझे कि तुम्हें इतनी अच्छी मैंने जगह दी थी, तुम उससे अच्छी तो बहुत आगे जा सकते हो, तो मेरा ऐसा थॉट है, इसे सोनम कपूर का लेना देना नहीं है मेरा, मैं तो सिर्फ अपने विचार बता रहा हूँ कि भगवान हो सकता है इस मेथड से काम कर रहा होगा, मगर इसमें अच्छा लगा देख के इनके ओपिनियन, आई एम श्योर और भी बहुत लोगों ने अपने ओपिनियंस करे होंगे, समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है, समय ही बताएगा कि जो लोग परसिवियर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वही अल्टीमेटली उनको जीतना चाहिए और इंडस्ट्री को फेयर होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, और मुझे लग रहा है मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा है, अब पता नहीं कितना ये न्यूज ठीक है आप बताना क्योंकि आप तो वहां पे ही हो तो आपको लेटेस्ट न्यूज जल्दी मिलती है, कि शायद मोदी जी की गवर्नमेंट भी सोच रही है कि इस टाइप से कुछ प्लान्स करें कि बॉलीवुड में फेयर पॉलिसी हो, तो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेने का शायद सोच रही है या उसके बारे में डिस्कशन होगी, तो बताना ये कहाँ तक ट्रू है, कहीं मैंने ऐसी फेक न्यूज़ तो नहीं पढ़ ली। तो फ्रेंड्स वीडियो तो काफ़ी अच्छा था, देख के बहुत खुशी हो रही है कि लोग अब कम्फर्ट आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं बिना डरे, और जहाँ उनको गलत लग रहा है तो वो बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, तो इससे ये होगा कि लोगों जो दूसरे हैं जो मतलब पावरफुल लोग हैं या उनके बच्चे हैं वो थोड़ा सोचेंगे बिफोर कि कुछ बोलने के, कि हम ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट ना बोलें। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।